नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं IEX स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में रिसेंट के कुछ बड़े न्यूज तो नहीं है, लेकिन हमने कहा था कि सेंटिमेंटल ट्रेंड दिखेगा, क्योंकि इस स्टॉक के मंथली वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखे थे, ट्रेडेड वॉल्यूम, और उसके साथ ही रिजल्ट बेटर रहा था, IEX की लिस्टिंग होनी है। तो ये सभी ऐसे न्यूज है जो धीरे धीरे इस स्टॉक के अपर ट्रेंड में सपोर्ट करेगा। आज इस स्टॉक में 7% की तेजी दिखी और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू अपर साइड में करने वाला है। आज का ही नहीं, पिछले 1 मंथ के ट्रेंड देखेंगे तो 20% की तेजी स्टॉक में पिछले 1 मंथ में दिखी है, और मेरा पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म स्टॉक में भी ये 20% के गेन में है। तो एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें, जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आज बायर सेलर की क्वांटिटी लगभग दोनों ही सेम ही है, 27 लाख के आसपास का वॉल्यूम कितना रहा, 5 करोड़ के ऊपर 35% की डिलीवरी रही। और रिसेंट के हिस्टोरिकल डाटा को देखेंगे तो आज का वॉल्यूम बड़ा ब्रेकआउट रहा है, और हमने हमेशा कहा है कि वॉल्यूम इज लाइक अ स्पाइनल कोड फॉर एनी स्टॉक, और यहाँ अपने टेक्निकल सभी ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। न्यूज इस समय देखेंगे तो कुछ भी बड़े न्यूज नहीं दिखे है, 5 दिसंबर को ही इसका न्यूज दिखा था, जहां देखेंगे 17% के वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो टेक्निकल ट्रेंड रहा है वो काफी आउट परफॉर्मिंग है अपने सेक्टर के कंपैरेटिवली देखेंगे तो अभी भी स्टॉक अंडर परफॉर्म है, यानी बड़ी तेजी तो अभी भी इस स्टॉक में पेंडिंग है। ये स्टॉक ही नहीं बल्कि ये सेक्टर भी ट्रेंड करते दिख रहा है, और जैसा कि हमने आपको कहा था कि जब भी किसी भी स्टॉक को बाय बिफोर ब्रेकआउट आप इस लेवल पे नहीं खरीद पाएंगे, हमने कहा था कि इस जोन में धीरे धीरे एक्युमुलेट करें और इजिली 164 का टारगेट दिखेगा, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है और 20% के जो हमने टारगेट प्रिडिक्ट करे थे वो एक्यूरेट होते दिखा। अभी तो कुछ भी नहीं है, रियल ट्रेंड तो 164 के ऊपर आएगा, 164 के ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक में एक बड़ी रैली दिखाएगी, और वो रैली क्या दिखेगा, सिंपल, बहुत बड़ा नहीं, यहाँ देखेंगे तो राउंडिंग पैटर्न दिखेगा और ये स्टॉक इजिली 262-280 तक के लेवल्स दिखाएंगे। इस समय सपोर्ट क्या रहने वाला है, सपोर्ट रहने वाला है 146 के आसपास का, जब तक इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दे वीकली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल शॉर्ट करने से बचेंगे, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी लेंगे। ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांग है।